सुखी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आजकल जो भी नया फोन आता है मार्केट में, उन सभी फोन के अंदर आपको गूगल डायलर कॉमन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने एक या फिर दो गूगल डायलर के ऊपर वीडियोस बनाया है, जिसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट सेम मिले हैं कि भाई गूगल डायलर के अंदर जो हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड होती है, उसका फाइल लोकेशन क्या है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अगर आपको गूगल डायलर का कॉल रिकॉर्डिंग है उसको शेयर करना है, डिलीट करना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास है Realme 7 Pro। अगर आपके पास दूसरी कोई भी कंपनी का फोन है जिस पर गूगल डायलर इंस्टॉल है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको गूगल डायलर है उसको अपडेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम किसी भी नंबर पर कॉल लगाते हैं, फिर चाहे आप किसी को भी कॉल लगाए। तो यहां पर दोस्तों हमें डेमो के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो भाई यहां पर हमने कॉल रिकॉर्डिंग उसको स्टार्ट कर दिया है। अभी दोस्तों 5 से 10 सेकंड हो जाने के बाद हम यहां पर कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी इनकेस अगर आपको उस फोन नंबर का कॉल रिकॉर्डिंग है उसको अपने दोस्त के साथ शेयर करना है या फिर डिलीट करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर नंबर पर टैप करना है। जैसे आप नंबर पर टैप करेंगे तो यहां पर आपका लास्ट कॉल है उसका कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो या तो आप इसको शेयर कर सकते हैं या तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर आपको पुराने कॉल रिकॉर्डिंग से उसको सर्च करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉल आपने उस नंबर पर लगाया उसका कॉल रिकॉर्डिंग का इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस भी नंबर पर आपने कॉल रिकॉर्ड किया है उसके साइड में यहां पर आपको माइक का निशान देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 3 कॉल के अंदर यहां पर माइक का निशान देखने को मिल रहा है। तो बस आपको लिसन टू रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आपको सुनना है तो यहां पर सुन सकते हैं, अगर आपको शेयर करना है तो शेयर यहां पर कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो भाई जैसे ही आप यहां पर शेयर पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जीमेल सारे ऑप्शन यहां पर आ जाएंगे। अगर आपको इनकेस इसको सेव करना है तो फाइल मैनेजर का ऑप्शन भी शायद आपको देखने को मिलता है, या तो फिर आप किसी को व्हाट्सएप पर इसको शेयर कर सकते हैं, उसके बाद उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपको सेंड विल फाइल ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इसको इंटरनल स्टोरेज के अंदर भी शायद सेव कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको शेयर कर सकते हैं या फिर अपने स्टोरेज के अंदर इसको सेव कर पाएंगे। और इनकेस अगर आपको कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट करना है तो डिलीट का बटन आपको मिल जाता है। तो डिलीट करने के बाद भाई आपके फोन से वो कंप्लीटली गायब हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर आपको पूरा फोन है उसका कॉल रिकॉर्डिंग उसको डिलीट करना है तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है। आपको बस यहाँ पर गूगल डायलर पर टैप करना है, ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पर जो स्टोरेज होता है स्टोरेज इन यूजेस उसके अंदर जाके भाई यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। क्लियर डेटा हो जाने के बाद दोस्तों आपका फोन का सारा कॉल रिकॉर्डिंग है वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप न्यू रिकॉर्डिंग है उसको सेव वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको रियल लाइफ में ऐसे कोई भी फोन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।